हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया है। तो ये गाइडलाइन है उन लोगों के लिए जो बाहर के कंट्री से इंडिया आ रहे हैं। ये गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू हो जाएगा सबके लिए। तो 7 अगस्त रात के 12 बजे के बाद से ही ये गाइडलाइन बिल्कुल लागू हो जाएगा हर एक पैसेंजर जो बाहर से इंडिया आएंगे उन सब के लिए। तो इस गाइडलाइन को मेनली 4 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला स्टेप है, जब आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, मतलब आप ट्रैवलिंग प्लान करेंगे उस टाइम पे भी आपको कुछ नेसेसरी चीज़ें करना है। उसके बाद बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट आपको कुछ चीज़ें करना है। उसके बाद आपने जब फ्लाइट पकड़ लिया है तो ये तीसरे स्टेप में आप जब ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और चौथा स्टेप जो है आपके अराइवल के बाद तब आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ट्रैवल करने से पहले मिनिमम 72 आवर्स पहले आपको एक पोर्टल में जाना पड़ेगा। तो ये पोर्टल है www.newdillyairport.in। इस पोर्टल में जाके आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा। और दूसरा आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि जो मैंडेटरी 14 डेज का क्वारंटाइन है उसको लेने के लिए आप राजी है। अब मैंडेटरी 14 डेज का क्वारंटाइन में 7 डेज होता है आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और बाकी 7 दिन होता है आपका होम क्वारंटाइन। तो इन केसेस में आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इसको लेने के लिए राजी है। कुछ केसेस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है और 14 दिन का होम क्वारंटाइन में जाया जा सकता है। वो केसेस कौन सा है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है। कोई बहुत सीरियस पेशेंट है तो उसके लिए भी जरूरत नहीं है। अगर कोई 10 साल से छोटा बच्चा है और उसके साथ कोई पेरेंट्स है तो उसको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है, वो 14 डेज का होम क्वारंटाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक RT-PCR टेस्ट करवाते हैं मिनिमम 96 आवर्स पहले, जर्नी के 96 आवर्स पहले आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आप पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं और परमिशन मांग सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ना जाके आप 14 डेज होम क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा कि नहीं देगा। अगर परमिशन आपको मिल जाता है तो आप वो फैसिलिटी उठा सकते हैं, और आप जब साथ में आते हैं तब आपको वो रिपोर्ट साथ में लेके आना पड़ेगा। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो खर्चा है वो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट आपको नहीं देगा, अपने पॉकेट से आपको वो खर्चा देना पड़ेगा। बोर्डिंग करने से पहले टिकट के साथ आपको एक डूज एंड डोंट्स वाला लिफलेट या कोई कागज दिया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा चीज है, आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इंडिया पहुंचने से पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। और तीसरा रूल ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर से उन्हीं लोगों को खाली अलाउ किया जाएगा इंडिया के फ्लाइट में चढ़ने के लिए। अगर कोई सिम्टोमेटिक पैसेंजर है तो उसको वहीं पर रोक लिया जाएगा। ये खाली फ्लाइट के लिए नहीं है, लैंड बॉर्डर से भी अगर कोई आ रहा है तो वहां पर भी खाली एसिम्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही अलाउ किया जाएगा। ट्रेवलिंग के दौरान फ्लाइट में चढ़ने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल में जाके पहले से फिलअप नहीं किया है तो वहां पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फ्लाइट में बैठे बैठे फिलअप कर सकते हैं, और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा फ्लाइट में अपना मास्क पहन के रखिए। अराइवल के बाद आपका थर्मल स्क्रीनिंग जरूर होगा। कोई भी एयरपोर्ट में आप उतर रहे हैं, इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट में आपका थर्मल स्क्रीनिंग जरूर होगा। और थर्मल स्क्रीनिंग में अगर आप सिम्टोमेटिक निकले तो उसी टाइम पे आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा और आपको क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अगर आप पहले से परमिशन लेके रखे हैं कि आपको परमिशन मिल गया है 14 दिन का होम क्वारंटाइन का और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे परमिशन आपको पहले से मिला हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही उसका परमिशन आपको मिलेगा, तो वो परमिशन लेटर आपको शो करना पड़ेगा कि मुझे पहले से परमिशन मिल चुका है। नहीं तो
अगर आपको परमिशन नहीं मिला है तो उन केसेस में आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए जो डेजिग्नेटेड सेंटर है वहां पर भेज दिया जाएगा। 7 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर में आपका फिर से COVID-19 टेस्ट होगा और उस टेस्ट में अगर आप नेगेटिव निकलते हैं तो आपको घर जाने का परमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करके, आपका सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करके वो लोग डिसीजन लेगा कि आपको घर जाने दिया जाए या फिर क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाए या फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए, वो तब का डिसीजन होगा। और अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आपको ज़रूर से घर भेज दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया गाइडलाइन जो 8 तारीख से फॉलो होने वाला है। जो भी आप 8 तारीख के बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये सारे रूल मान के चलना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स को आप अच्छे से जान लीजिए और अपना ट्रैवल प्लान उसी हिसाब से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।